हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लो प्राइस पे सॉफ्ट बॉक्स हम कैसे बनाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ फ्रेंड्स, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, जो बगल में बेल आइकन है उसे हमें प्रेस करना है और उसे ऑल पे हमें सेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम बनाते हैं सॉफ्ट बॉक्स फ्रेंड्स, और मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि आपको सॉफ्ट बॉक्स लो प्राइस पे कैसे बनाना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम सॉफ्ट बॉक्स बनाएं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमें सॉफ्ट बॉक्स बनाने के लिए ये थर्माकोल शीट चाहिए, ये वाला 2 पीस, और हमें इसे इसमें कुछ सामान भी लगेगा फ्रेंड्स। ये चाहिए हमें, एक टेप चाहिए, एक फेविकॉल चाहिए ये वाला, है ना, ये मार्केट पे मिलेगा आपको, और एक स्केल चाहिए, और एक कटर चाहिए थर्माकोल शीट काटने के लिए, और एक बटर पेपर चाहिए, और एक एलईडी लाइट चाहिए सॉफ्ट बॉक्स के अंदर में लगाने के लिए, और एक ना क्या बोलते हैं होल्डर चाहिए फ्रेंड्स, लाइट होल्डर, और 2 स्क्रू चाहिए, और उसमें वाइसर लगा हुआ रहना चाहिए, और नट दोनों दोनों स्क्रू पे। फ्रेंड्स, तो हमें सॉफ्ट बॉक्स बनाने के लिए थर्माकोल शीट को सॉफ्ट बॉक्स के साइज पे काट लेना है। ये वाला रहेगा फ्रेंड्स 15 सेंटीमीटर, ये रहेगा 7 सेंटीमीटर, और ये रहेगा 14 सेंटीमीटर। ऐसी फ्रेंड्स हमें 4 बना लेना है, एक यहाँ पे बनेगा और एक जगह यहाँ पे बनेगा, 2, और एक सीट और रहेगा उस पर 2 और बनेगा, तो 4 हो जाएगा। और सॉरी, मैं आपको एक और चीज़ लगेगा वो बताना भूल गया, इसमें एल्यूमिनियम फॉल लगेगा सॉफ्ट बॉक्स के अंदर में जो चिपका हुआ रहेगा। यहाँ पे हमें इसी साइज पे एल्यूमिनियम फॉल को काट के चिपका लेना है इस पे, वो आपको मार्केट पे मिलेगा, और ध्यान रहे कि एल्यूमिनियम फॉल सॉफ्ट बॉक्स के बाहर ना रहे, अंदर रहे। है ना फ्रेंड्स। और हमें फ्रेंड्स ये 7 सेंटीमीटर वाला जो रहेगा, ये काटने के बाद फ्रेंड्स हमें एक बना लेना है फ्रेंड्स, ऐसे चौकोन सा, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। वो इसी इसी थर्माकोल शीट पे निकल जाएगा, छोटा सा रहेगा वो। फ्रेंड्स, तो मैं सॉफ्ट बॉक्स और रेडी बना के रखा हुआ हूँ, ये मुझे 200 का पड़ा है फ्रेंड्स सॉफ्ट बॉक्स, और बहुत लो प्राइस पे पड़ा है फ्रेंड्स। तो ये ऐसा भी आप लोग भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसे हमें 4 ही काटना है ऐसे, थर्माकोल शीट को इसी साइज पे 4 काट लेना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा सॉफ्ट बॉक्स, ये लगा है बटर पेपर, और ये जो मैं साइज काटने बोला था आप लोगों को उसी साइज पे है ये। ये है 15 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है ये देखिए ये है 7 सेंटीमीटर, है ना फ्रेंड्स। इधर भी अपन को 15 ही सेंटीमीटर रखना है, और ये थोड़ा तिरछा कटेगा फ्रेंड्स ये, है ना। और फ्रेंड्स ये हमें 4 लगाना है, ये 1 रहा ये, और ये 2, और इसके यहाँ पे है ये जो है इसके पीछे ये है 3, और इसके नीचे जो रहेगा वो है 4, ये देखिए, है ना। तो हमें 4 ही काट लेना है। और फ्रेंड्स हमें ये भी काटना है फ्रेंड्स, थर्माकोल शीट का ही रहेगा, ये देखिए ये चिपकाया हुआ हूँ मैं फेविकॉल से, इसको दिखाता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको उठा के, ये देखिए ये अलग से मैं काट के चिपकाया हूँ फ्रेंड्स, ये रहेगा। तो हमें ये जो मैं बता रहा था ना फ्रेंड,
तो हमें इसी के साइज से इसे काट लेना है। जब हम ये चारों को चिपका देंगे थर्मोकॉल से, है ना। और फ्रेंड्स ये कुछ मैं रस्सी लगाया हुआ हूँ, इसमें सपोर्ट देगा ये, ताकि थर्माकॉल इसे जल्दी चिपका सके, इसलिए मैं रस्सी बांध दिया हूँ। और फ्रेंड्स हमें एक तार चाहिए जो एलईडी पे फंसा हुआ रहे, सॉरी एलईडी लाइट के लिए, लाइट होल्डर जो रहेगा वो अंदर में फ्रेंड्स मेरा। और ये देखिए ये दो स्क्रू चाहिए, मैं बताया था आपको। ये देखिए ये वायसर सहित है, ये आपको मार्केट पे मिल जाएगा। फिर हमें एलईडी में एलईडी लाइट को होल्डर पे फंसाना है फ्रेंड्स। ये अंदर में लगा हुआ है और ये पेक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा इसे, और ये चिपका हुआ है। ये जला के ज़रूर दिखाऊंगा फ्रेंड्स मैं आपको, आप सभी को। और फ्रेंड्स ये होल्डर में एक तार लगा रहेगा, ये देखिए ये वायर है, ये 10 फीट का रहेगा, ये वायर लगा हुआ रहेगा। और ये वायसर जो है ये होल्डर पे लगा हुआ है मेरा। ये जो होल्डर लगेगा ये दीवार में लगता है, वो वाला होल्डर लगेगा, उसे हमें होल्डर में इसे स्क्रू पे वायसर लगा के इसे हमें टाइट कर देना है। ये देखिए ये छोटा छोटा नट है ये, और ये वायसर है, इससे मैं होल्डर को टाइट कर दिया हूँ। और हमें फ्रेंड्स ये वायर लगा के, वायर लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें बटर पेपर सामने लगाना होगा, और इसके अंदर फ्रेंड्स मैं बताया था आपको एल्यूमिनियम फॉल को चिपका देना है फेविकॉल के मदद से। एल्यूमिनियम फॉल चारों में चिपकेगा, एक इसमें भी चिपकेगा, एक इसमें भी चिपकेगा साइड में, और एक इस साइड में भी चिपकेगा, और ये इसके नीचे जो रहेगा अपना इस पे भी चिपकेगा ये, है ना फ्रेंड्स। फिर हमें चिपकाने के बाद बटर पेपर इस पे लगा देना है। बटर पेपर को टेप की सहायता से फ्रेंड्स इसमें चिपका देना है। ये देखिए मैं चिपकाया हुआ हूँ। ये देखिए इसमें भी चिपका है, और इसके नीचे भी चिपका हूँ फ्रेंड्स। ये होने के बाद फ्रेंड्स हमारा सॉफ्ट बॉक्स तैयार हो जाएगा, और इसे हमें अगर, मैं तो फ्रेंड्स फिलहाल इसे रख के ही चलाता हूँ। इसके नीचे मैं एक ईटा लगा देता हूँ, है ना, पत्थर रख देता हूँ फ्रेंड्स, जिससे ये ऐसे हो जाता है, इसका रोशनी इस प्रकार से जाता है। ये देखो ये इस प्रकार से नीचे की ओर जाएगा ये। तो फ्रेंड्स मैं इसे आपको जला के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा सॉफ्ट बॉक्स ये देखिए, मैं इसे जला दिया हूँ। ये देखिए इसका अंदर का ये रोशनी को आप, ये देखिए एलईडी लगा हुआ है इस पे, तो ये जला दिया हूँ फ्रेंड्स। और इसका रोशनी भी आप देखिए, तो हमें फ्रेंड्स कुछ इसी तरह से सॉफ्ट बॉक्स तैयार कर लेना है। और ये फ्रेंड्स आपको बहुत लो प्राइस पे पड़ेगा, ये आपको 150 का खर्चा आएगा इस पे, 150 से 200 का। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।